इसके संबंध में आप लोग क्या कहते हैं? बाहर से कोई आता है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए? बाहरी कोई व्यक्ति आता है कि आप लोग को क्या बोलते हैं कि फीस देता है या पोस्ता देता है कि अवैध अफीम का खेती करो? अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस और ग्रामीणों के बीच संपन्न हुई एक विशेष बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बताते चले कि अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत बाड़ी निजगेल पंचायत के ग्राम चाराडी के ग्रामीणों के साथ पुलिस टीम ने एक विशेष बैठक की। इस बैठक में बाड़ी निजगेल पंचायत के ग्राम चाराडी के ग्रामीणों को पुलिस टीम द्वारा कई अहम जानकारियां उपलब्ध कराई गई, जिसमें डायन प्रथा जैसे कुप्रथा के बारे में भी लोगों को जानकारियां उपलब्ध कराई गई। लोगों को बारीकी से जानकारी देते हुए बताया गया कि यह एक कुप्रथा है, इस पर लोगों को विश्वास नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस टीम द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को मानव तस्करी से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई। साथ ही ग्रामीणों को पुलिस टीम द्वारा ये भी बताया गया कि अवैध फसल अफीम लगाने से किस किस प्रकार से उन्हें नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी ग्रामीणों को पुलिस टीम द्वारा जानकारियां उपलब्ध कराई गई। वहीं पुलिस टीम द्वारा ग्रामीणों को दी गई जानकारी से कई किसान प्रभावित हुए, जिन्होंने अगल बगल के खेतों में लगाए गए अवैध फसल अफीम को विनिष्टकरण करने का भी बात कही। अगर आप लोगों को मोटिवेट करके पोस्ता का बीज देते हैं अवैध अफीम की खेती करने के लिए, या इसके संबंध में आप लोग क्या कहते हैं? बाहर से कोई आता है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए? बाहरी कोई व्यक्ति आता है कि आप लोगों को क्या बोलते हैं कि बीज देता है या पोस्ता देता है कि अवैध अफीम का खेती करो? अगर कोई आता है तो उसके बारे में बताना है ना, उसके बारे में बताइएगा कि सर फला फला, गुप्त रूप से बताइएगा, आपके नाम को मैं गुप्त रखूंगा। और उस व्यक्ति को जो भोले वाले ग्रामीणों को अगर क्या बोलते हैं कि मिसगाइड कर रहे हैं, है ना, और क्या बोलते हैं कि दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। और अगर भूल चूक से आप अपने खेतों में अवैध अफीम की खेती लगाए हैं, उसको विनष्ट कीजिए, उसका वीडियो बना के भेजिए। अगर खेतों में फूल आ जाए